तो गाइस यार आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे स्पीकर्स। जी हाँ स्पीकर्स, लेकिन गाइस यार वो वाले स्पीकर्स नहीं जो कि बाजार में मिलते हैं, कोई फैंसी टाइप के स्पीकर्स, क्योंकि यार उन्हें घर पे बनाने से अच्छा है कि आप मार्केट से ही खरीद लो। हम बेसिकली एक बेसिक सा स्पीकर बनाएंगे जिसकी मदद से सिंपली हम जो साउंड है, जो सॉन्ग्स है या फिर जो गाने हैं या फिर जो आवाजें हैं, सिंपली उन्हें प्रोड्यूस कर पाए। तो गाइस यार शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको सच में काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेगी। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। और गाइस सबसे पहले बनाते हैं एक ऐसा स्पीकर जैसा कि आपने शायद कभी भी नहीं देखा हो। और गाइस ये जो स्पीकर होगा ये अपने आप में काफी यूनिक होगा और बहुत ही ज्यादा आसान होगा। तो इसके लिए हमें सिंपली जरूरत पड़ेगी इस तरीके की एक खिलौने वाली मोटर की, एक एम्पलीफायर की, जिसकी मदद से हम सिंपली गाने बजा सके। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बना बनाया स्पीकर है। अगर मैं इन दोनों तारों के इसके अंदर इस तरीके से अटैच कर देता हूं, देखिए, तो इसके अंदर गाने बजने लग जाते हैं। लेकिन गाइस यार ये वो वाला स्पीकर नहीं है। हाँ ये भी काफी सिंपल था, लेकिन ये तो बना बनाया है। तो गाइस हमें क्या करना होता है, हमें सिंपली इस मोटर के ऊपर कुछ इस तरीके से पेन या फिर लकड़ी को अटैच कर देना होता है, कुछ इस तरीके से। फिर ये जो दोनों एम्पलीफायर से जो तार आते हैं, इन्हें स्पीकर में जोड़ने की बजाय हम सिंपली इस मोटर के इन दोनों टर्मिनल्स जो प्लस और माइनस है, इनके ऊपर कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से, और अब देखना मैजिक। थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ाते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब ये एक स्पीकर है, यकीन नहीं आ रहा ना। तो चलो शायद आवाज नहीं आ रही होगी, तो चलो आवाज सुनाता हूं। तो मेरे पास यहां पर स्टायरोफोम का एक कप है, अगर मैं इसे टच करता हूं, देखना आ रही आवाज। और गाइस अगर मैं इस जो पेन है इसको अपने दांतों के अंदर दबा लेता हूं, कुछ इस तरीके से, देखना तो गाइस यार इस चीज को आप घर पे ट्राई करके जरूर देखना, क्योंकि यार बाहर से आपको आवाज नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आप इस अपने दांतों के बीच में दबाएंगे तो ये सीधा ही म्यूजिक जो है आपके कानों के अंदर सुनाई देगा। बाहर सुनाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही आप इसे मुंह के अंदर दबाते हैं, जो म्यूजिक है वो सीधा ही आपके ब्रेन के अंदर सुनाई देगा। तो ये अपने आप में काफी कमाल की चीज है। अब अगर मैं इसी सेम चीज को कैमरे के बिल्कुल पास में लेके जाता हूं, तो आप इस म्यूजिक को क्लियरली सुन पाएंगे। आ रही है ना आवाज। तो गाइस होता ये है कि सिंपली जो वॉइस होती है, जो कि आवाजें होती है, वो सिंपली वाइब्रेशंस के कारण क्रिएट होती है। तो जब मैं सिंपली इसे इस स्टायरोफोम के कप के पास में लेके जाता हूं, तो इसके अंदर वाइब्रेशंस की वजह से आवाज आती है। और जब मैं सिंपली इसे अपने मुंह के अंदर दबाता हूं, तब जो है सिंपली वाइब्रेशंस कुछ इस तरीके से होते हैं कि मेरा जो खुद का मुंह है, मेरा जो पूरा ये शरीर है, ये ही एक स्पीकर की तरह काम करता है और आवाजें आने लग जाती है। तो गाइस ये है दुनिया का सबसे सिंपल स्पीकर, जिसे आप सिंपली घर पे भी बना सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, एक टॉय मोटर लेनी है, इस तरीके से इसके ऊपर पेन या फिर कुछ लगा देना है, ये जो इसके ऊपर ये होता है इसके ऊपर, और फिर दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट करना है और बन गया आपका स्पीकर। कैसे अब बनाते हैं एक ऐसा स्पीकर जिसका जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली सभी स्पीकर्स के अंदर यूज होता है। तो इसके लिए हमें सिंपली जरूरत पड़ेगी एक कॉपर वायर की, इंसुलेटेड कॉपर वायर की। और गाइस हम क्या करेंगे, हम सिंपली इस कॉपर का एक वायर लेंगे और ऐसी कोई ट्यूब लेंगे, प्लास्टिक की इसकी जगह कागज की भी ले सकते हैं, और इस कॉपर के वायर को सिंपली इसके ऊपर गोल गोल लपेटते जाएंगे। देखना ऐसे कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, आई थिंक इतने घेरे काफी होंगे। तो गाइस यार वैसे जो स्पीकर्स होते हैं उनके अंदर जो घेरों की संख्या होती है वो मैथमेटिकली कैलकुलेट करके फिर लगाई जाती है, लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ पर सिर्फ साउंड क्रिएट करना है, एक ऐसा स्पीकर जो कि बजता हो। तो मैंने अपने मन से ही इसके अंदर घेरे लगा दिए हैं। अब हम सिंपली इसके दोनों मुंह को काट लेंगे और टेप की सहायता से इसे सिक्योर कर देंगे ताकि ये वापस अनवाइंड ना हो। और अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों मुंह के ऊपर इंसुलेशन लगा होता है, तो हमें सिंपली उसे हटाना होगा ताकि हम इसे सिंपली एम्पलीफायर के साथ में कनेक्ट कर सकें।
तो हल्का सा गर्म करने से इनके ऊपर का इंसुलेशन हट जाएगा। राइट, ये हट गया। अब हम सीधे ही इस कॉपर से बनी हुई ट्यूब को एम्पलीफायर के साथ में कनेक्ट कर देंगे। सीधे ही हमें कुछ नहीं करना है, बस इसके साथ में इसे कनेक्ट करना है। गाइस यार ये बन गया हमारा स्पीकर, यकीन नहीं आ रहा ना। तो चलो इसके अंदर गाने सुनाता हूँ आपको। इन चीजों को साइड में रख देते हैं और बस हमें जरूरत पड़ेगी एक मैग्नेट की। तो हमारे पास है यहाँ पर नियोडियम मैग्नेट, काफी पावरफुल। तो चलो इसके पास में लेके जाते हैं। नहीं है आवाज, वॉल्यूम बंद कर रखी है, वॉल्यूम बढ़ाते हैं। अब देखना, जैसे ही मैं इस ट्यूब के पास में इस मैग्नेट को लेके जाता हूं, देखना आ रही आवाज, ध्यान से सुनो। अगर मैं दूर लेके जाता हूं, बंद। आ रही है ना आवाज, है ना काफी आसान एक स्पीकर बनाना। थोड़ी सी आवाज खोलते हैं, आई होप आप सुन पा रहे हो, आवाज थोड़ी कम है। और कमाल की बात यह है कि इसके अंदर से बेस भी आ रहा है। और अगर मैं इसके ऊपर सिंपली इस स्टायरोफोम के कप को लगा देता हूं तो जो आवाज है वो भी काफी तेज आएगी। ऑलराइट, अब देखना। आ रही है ना आवाज, बेस कितनी प्यारी आ रही है। थोड़ा पास से दिखाओ, माइक्रोफोन पास में ला। हाँ अब देख, राइट गाइस। तो देखा आपने कितना आसान है एक स्पीकर बनाना। और गाइस हम इसे और भी अच्छे से बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, लेकिन गाइस यार ये सारे काफी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसके अंदर अलग अलग मैग्नेट्स चाहिए। मैंने बस आपको इतना बताया कि किस तरीके से हम साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और गाइस ये जो स्पीकर है इसके अंदर भी बेसिकली कुछ इसी तरह का प्रिंसिपल का यूज होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर भी एक कॉइल है जिसके चारों तरफ कॉपर वायर लपेटी हुई है और बीच के अंदर है एक मैग्नेट और इधर की भी है एक मैग्नेट और ऊपर की तरफ लगा होता है एक डायफ्रेम जो कि वाइब्रेट होता है और उन्हीं वाइब्रेशंस की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, यानी कि आवाजें निकलती है। तो गाइस यार आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। मैंने सोचा कि क्यों ना आपको दिखाया जाए कि किस तरीके से चीजें काम करती है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और उस मोटर वाली ट्रिक को जरूर ट्राई कीजिएगा। बाय बाय।